नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और अक्सर ये आपका चर्चा में भी बना रहता है और आप भी अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं, जल संकट। भारत में जल संकट के बारे में आज हम जानेंगे किस तरह से जल की समस्या हम लोगों को हो रही है, देखेंगे हाल में किस संदर्भ में अभी चर्चा में रहा है, इसका एक सामान्य परिचय भी देख लेंगे हम लोग, और जल संकट की स्थिति क्या है, भारत में भूजल प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या है, सरकार द्वारा संकट समाप्त करने हेतु उठाए गए कदम क्या है, राष्ट्रीय जल नीति 2012 के बारे में जानेंगे और राष्ट्रीय जल मिशन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात बता दें आपको कि आप सभी जानते हैं कि जो जल है ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। देखिए इसमें आपका 71% भूभाग पर जल है, जैसे आप देख रहे होंगे उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया, ये आपका हिंद महासागर, ऊपर यहाँ आएंगे आप लोग तो दक्षिण अंध सागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर, और आप बाकी में देखते रहते हैं नॉर्वियन सागर, यहाँ आप देखेंगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, थाईलैंड की खाड़ी, फिलीपीन सागर, ओकोत्सक सागर, बेरिंग सागर, ये सभी जल भूभाग है और स्थल मंडल केवल आप देखते हैं 21% है। क्या है, 21% भूभाग पर हम लोग धरती है और बाकी में पानी भरा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। तो पानी देखिए आज से 10 साल पहले या फिर 50 साल पहले या 2000 साल पहले जब पृथ्वी हमारी बनी उस समय भी अगर 10 लीटर पानी होगा तो आज भी 10 लीटर पानी है, पानी में कोई कमी नहीं आई है। बस इतना समझिए आप लोग कि पानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल चुका है। आप सोचिए कि पानी पहले आप देखते थे कि कुआ इतने भरे होते थे कि आप ऊपर से हाथ से पानी भर सकते थे, तो क्या हुआ कि ये पानी आप देखते हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, तो धरती में जब पानी नहीं रिसके नहीं जाएगा तो पानी की कमी होगी, और वो पानी रिसके नहीं जाएगा और डायरेक्ट बरसात होगी तो वो जाके कहाँ, नदियों में, नदियों से कहाँ जाएगा, महासागरों में, सागरों में, और सागरों महासागरों का जल जानते हैं आप लोग कि इसमें खारेपन है तो इसका हम लोग उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो पानी तो उतना ही है, बस वो बदल चुका है दूसरे रूप में, यानी कि हमारी पीने योग्य नहीं बचा हुआ है, फर्क इतना है, समझ रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक आदेश में कहा है कि औद्योगिक कार्यों हेतु भूजल का प्रयोग आगे विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। आज के सार्थक युग में भौतिक उपलब्धियों और संसाधनों को एकत्रित करने पर नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। धारणीय विकास की अवधारणा विश्व पटल पर 2030 तक उन आयामों को छूना चाहती है जहां मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन की दूरी पर समग्र रूप से विकास किया जा सके। इन दोनों के मध्य जल संकट हमारी बेहद समस्या बन गया है। आप भी वैसे देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में एक समय हुआ करता था कि 7-7 8-8 दिन बरसात हो रही, बराबर पशु घर में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं खाने के लिए, आप लोग देखते थे आप लोग भी घर में बंद हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और आज देखिए नाम मात्र की वर्षा होती है, तो मतलब कुछ तो कमी आई हुई है, और बरसात नहीं होगी तो आपकी धरती को पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो आज आप देख रहे हैं कि कुएं गहरे किए जा रहे हैं, बोरिंग की जाती है तो वो हजारों मीटर या फुट कर दी जाती है फिर भी पानी नहीं निकलता है, मतलब बहुत स्थिति आप खराब समझ रहे हैं, समझ सकते हैं, जब धरती में पानी ही नहीं होगा तो कहाँ से पानी निकलेगा। देश की वार्षिक जल आवश्यकता 3000 अरब घन मीटर है और हर वर्ष 4000 अरब घन मीटर पानी वर्षा के रूप में धरती को मिलने के बाद भी हम वर्षा का केवल 8% ही संरक्षित कर पाते हैं। सरकारी अध्ययन बताते हैं कि देश जल संचित की श्रेणी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जब आवश्यकता की सापेक्ष उपलब्धता कम हो जाएगी, इस परिप्रेक्ष्य में अत्यंत चिंतनीय है कि हम उस जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं जो मानवीय कारणों से उत्पन्न हुआ है, मगर जब सरोकार की बात आती है तो हमें सरकार की ओर हल ढूंढने के लिए विवश नजर आते हैं। आपको किस लिए कहा जाता है कि आप गड्ढे, जो भी बरसात का पानी हो रहा है
उसे या तो किसी कुएं में डाल दीजिए या फिर इस तरह के गड्ढे भर दीजिए और पुलिया बना दीजिए, सॉरी तालाब, छोटे तालाब नहीं रहते, उन्हें बना दीजिए कि पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो आप देखेंगे नीचे धरती में जाएगा, और धरती में जाएगा तो आपकी जल धारण क्षमता बढ़ेगी उसकी। और देखिए, आप लोग देखा होगा आपने, जहाँ तालाब है वहाँ पानी की कोई मतलब परेशानी नहीं होती है। वहाँ आप देखेंगे कुआ, सब कुएं आपके नल कूप जो भी होते हैं, बोरे होती है, सब भरे रहते हैं। क्या होता है कि तालाब की वजह से वो नीचे पानी में, पानी धरती में जाता है, धरती में जाता है तो आपके कुएं वुए सब हरे भरे रहते हैं, समझ रहे हैं। जल संकट की स्थिति की बात करें हम लोग, तो हाल के वर्षों में बढ़ते औद्योगिक विकास, गिरते भू जल स्तर, RO फ्यूरी के बढ़ते घरेलू प्रचलन, तेजी से बढ़ता बोतलबंद पानी का उपयोग के कारण जल तनाव अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुका है। अधिकांश भूजल गुणात्मक रूप से पीने की स्थिति में नहीं है तथा तेजी से प्रदूषित हो रहा है। सिंचाई हेतु प्रयुक्त जल का पुनर्भंडारण नहीं हो पाता। कृषि हेतु नहर सुविधा में कमी न कहीं ना कहीं भूजल स्तर को कम करती है। सरकारी अध्ययन बताते हैं कि देश का भूजल स्तर 0.3 मीटर सालाना की दर से गिरता जा रहा है। इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपने जल जल का पुनः उपयोग कर लेते हैं, परंतु भारत इस मामले में पीछे। इस भयावह तस्वीर की पृष्ठभूमि में जल संकट हमारे लिए व्यक्तिगत या फिर सामाजिक सरोकार सारोकार बन चुका है। यहाँ पुनः उपयोग की बात ऐसे की जा रही है कि आपने देखा होगा कि एक बार आप लोग नहाते भी है तो वो पानी कहाँ चला जाता है, नाली से बहकर चला जाता है, और आप गाड़ी भी धोते हैं तो घंटों गाड़ी धोते रहते हैं, उसका पानी भी कहाँ, नालियों से बह जाता है। आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं कि जो पानी नहाने का निकल रहा है, या फिर आप सोच सकते हैं कि जो गाड़ी धो रहे हैं आप लोग वो निकल रहा है, तो उसे आप लोग पेड़ों में डाल सकते हैं। आपके यहाँ जो पेड़ है आसपास उसमें भी जा सकता है, उससे कोई नुकसान थोड़ी होगा, समझ रहे हैं। तो मतलब दोबारा उपयोग हो जाए। यद्यपि औद्योगिक विकास के लिए जल की उपलब्धता आवश्यक है, परंतु यह समस्या संधारणीय विकास के आयामों को के विरुद्ध जा रही है। 2016 में विश्व बैंक के एक अध्ययन में इस ओर इशारा करते हुए चेतावनी भी दी गई कि अगर भारत अपने जल संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता तो 2050 तक देश की GDP विकास दर 6% से भी कम रह सकती है। और वैसे तो अभी आप देख रहे हैं 2050 की बात की जा रही है, 6% से भी आपकी विकास दर कम रह सकती है, और अभी आपकी वैसे भी विकास दर 2020 की बात कर रहा हूँ बहुत बुरी चल रही है, और आगे आपकी घटकर कहा जा रहा है 1 से 1.5% तक होने की संभावना, कई रेटिंग एजेंसियां इतना बता रही हैं। एक समय हुआ करता था कि 7.4 7.5 विकास दर हुआ करती थी आपकी, आज घट के आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति से प्रभावित हैं हम लोग। हाल ही में नीति आयोग द्वारा भी यह उल्लेख किया गया कि देश के कई औद्योगिक केंद्रों वाले शहरों में अलग अलग वर्ष तक शून्य भूजल स्तर तक जा सकता है। ये नीति आयोग वही है जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ है 1 जनवरी 2015 को। भारत में भूजल प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं की अगर बात करें हम लोग, तो भारत में कई स्थानों पर भूमिगत जल को औद्योगिक तथा नगरीय अपशिष्ट उत्सर्जन, मल प्रवाह तथा कृषि से बढ़कर आए जल से होने वाले क्षरण के कारण संक्रमण का खतरा है। उदाहरण के लिए पेयजल में नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसमें नवजात शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। इससे बिलू बेबी सिंड्रोम रोग होता है नाइट्रेट से। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस रोग होता है, जिसमें दंत तथा हड्डी में समस्याएं आपको देखने को मिलती है। सरकार द्वारा संकट समाप्त करने हेतु उठाए गए कदमों की अगर बात करें, तो हाल ही में वर्तमान सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय का गठन यह साफ संकेत देता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जल शक्ति, इसके लिए एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। सरकार अब संकट को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ले रही है। मौजूदा जल संसाधन मंत्रालय को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ विलय करके
नदी संरक्षण निदेशालय को नए मंत्रालय में स्थानांतरित करके करके सशक्त किया गया है। साथ ही जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया, जिसे देश के 255 जिलों में आने वाले 1593 ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। साथ ही समयबद्ध रूप से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए केंद्र सरकार के 250 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 2012 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई और इसके अंतर्गत निम्न प्रमुख बिंदु सम्मिलित हैं। कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय नदी तथा नदी घाटियों का सर्वोत्कृष्ट विकास, जल आधारित प्रत्येक कार्य हेतु उचित मापदंड, राज्य के प्राधिकरणों द्वारा पुनर्प्रयोग जल का भंडारण, जल नीति में जल संकट के निदान हेतु सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय जल मिशन की अगर बात करें हम लोग, तो जल संकट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना की तैयारी की है, जिसके अंतर्गत जल परिवर्तन के असर से उपजी चुनौतियों को सामना करना हेतु राष्ट्रीय जल नीति मिशन है। राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य लक्ष्य है कि जल संरक्षण अपव्यय से विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के अंदर और बाहर जल की बात 5 निर्धारित लक्ष्य कौन कौन से? जल क्षेत्रों में व्यापक जल डाटा के जलवायु परिवर्तन के असर का आकलन, जल संरक्षण वृद्धि और बना राज्य की कार्यवाही को बढ़ावा देना, अति दोहित क्षेत्र सहित अन्य केंद्रित करना, जल इस्पात में मितव्ययता में 20% सुधार, जलाशय स्तरों के स्रोतों का प्रबंधन और प्रोत्साहन। परंतु मात्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से इसका निदान नहीं संभव है, कुछ अन्य ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जल संकट के परिप्रेक्ष्य में जन आंदोलन स्थापित करना और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना। याद रखिए, आप सोचिए कि सरकार तो 70 साल से आपका गरीबी हटाओ चला रही है आंदोलन, क्या सक्सेस हुआ है? कभी नहीं। तो आप सोचे कि अकेले सरकार सब कुछ उखाड़ ले, तो कभी ना ऐसा तो ना संभव हुआ है और ना ही हो सकता है। जब तक आप सभी लोग शामिल ना हो उसमें, तब तक उसे पूरी तरह से सक्सेस नहीं, यानी कि सफल नहीं बनाया जा सकता है। आप कहेंगे कि स्वच्छ भारत आपने देखा होगा, इसमें सरकार से ज्यादा योगदान आप लोगों का रहा है। आप लोगों ने किस तरह से जागरूकता दिखाई है, किस तरह से इसमें दिलचस्पी ली है, यही परिणाम है कि आज हमारा देश काफी हद तक स्वच्छ हो चुका है। समझ रहे हैं? पारंपरिक जल निकायों और टीकों का नवीकरण, जल संरक्षण और वर्षा जल संचय, वाटरशेड विकास, गहन नवीकरण, तालाबों में पुनर्भरण, कुओं की स्थापना, कैस्केडिंग, चेक डैम, सोख गड्ढों, खाइयों का निर्माण, जल निकायों में अतिक्रमण को रोकना, ड्रिल सिंचाई का उपयोग, और लास्ट में आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को 15 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने हेतु यह ध्यान बिंदु है, यानी कि ध्यान में देने बिंदु है कि जल संकट की परिस्थितियों में ऐसा कर पाना एक असंभव कार्य है। और जल अभाव के कारण प्राकृतिक असंतुलन को उत्पन्न होगा ही, साथ ही विकास पथ के हमारे निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यद्यपि सरकार अपनी तरफ से प्रयास है, परंतु उसमें कुछ समस्याएं भी है। अतः इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, एक नागरिक के तौर पर हम व्यवहार परिवर्तन करें और जल संरक्षण हेतु अपने एवं सामाजिक परिदृश्य में जागरूकता पैदा करें तथा ज्ञान साझा करते हुए सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास करें। आप सोचिए कि आप कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो किसानों के लिए भी तो पानी पर ही निर्भर तो रहते हैं किसान हमारे। और कभी आप दिमाग में सोचिए, कभी इस तरह के ख्याल लाया करिएगा कि आप खुला नल छोड़ देते हैं और मंजन करने लगते हैं, उसमें पानी बहता रहता है, और जिस दिन आपने देखा होगा कि आपके नल ना आ रहे हो, टंकी खाली हो, उस दिन आप एक एक लोटा के लिए फिरते हैं लिए कि कहीं से एक लोटा मिल जाए तो मंजन ही कर ले। तो ये स्थिति सोचिए कि आने वाले सालों में, कई साल सालों बाद हम एक एक लोटा के लिए, या फिर हमारी पीढ़ी आएगी जो, वो एक एक लोटा के लिए तरसेगी पानी के लिए। उस समय आप सोचिए कि आप एक बाल्टी से मंजन नहीं करेंगे, एक गिलास ही पानी मिल जाए उस काफी है। तो आप लोग भी अपने स्तर पर
जागरूकता फैला सकते हैं और उपाय कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है।